सीहोर की, जहां के बुधनी के तालपुर में उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोगों का उपचार जारी है। बताया जाता है कि बुधनी के तालपुरा एक ही परिवार के 5 लोग बीमार हैं, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई है। अमृता पिता बसंत 9 वर्ष, वही 7 वर्षीय सपना की मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुधनी में इलाज जारी है। विराट 24 न्यूज के लिए सीहोर से पवन महेश्वरी की रिपोर्ट। क्या हुआ ये? ये भाभी है, इनकी 2 लड़कियाँ, सुबह से अच्छी थी और शाम के टाइम अचानक उल्टी दस्त लगे, तो रात भर उन्हें उल्टी दस्त करी और सुबह 6 बजे शांत हो गई। अच्छा, कितने लोग शांत हुए हैं? 2। क्या उम्र थी उनकी? उनकी एक लड़की 8 साल की थी और एक 7 साल की थी। और कितने लोग एडमिट हैं यहाँ पर अभी? ये 2 है, दोनों बच्चे। हाँ, सुबह 6 बजे वो शांत हो गए। अच्छा, क्या हुआ था उनको? उल्टी दस्त। हाँ, रात भर उल्टी दस्त करी वो और सुबह से शाम को, ये सुबह से 6 बजे शांत हो गए, दम तोड़ दिया। डॉक्टर पास ले जा रहा, एक तो घर ही खत्म हो गई और एक रास्ते में दम तोड़ दी थी। मछली हुआ मैं तालपुरा में। सुबह करीबन 8 बजे के करीब हमें ये खबर मिली कि तालपुरा में वर्धमान के जो पीछे वाला गेट है, वहाँ पर 2 बच्चियों की मृत्यु हो गई है। उन्हें सुबह से उल्टी दस्त की शिकायत हो रही थी, उसके बाद जब हम वहाँ जाकर उनके परिवारजनों से मिले और उनसे चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि सर, इनको सुबह 4-5 बजे से अचानक उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी, तो उनको लेकर अस्पताल आने लगे बाइक से, लेकिन रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। उसी दौरान उन दोनों बच्चियों की माँ और छोटे भाई बहन जो थे, उनकी भी तबीयत खराब थी, जिनको हम एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर आए। वहाँ पर हमने उनको भर्ती किया और इलाज किया, वो अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। लेकिन उन दोनों बच्चियों की, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनका फिर हमने शव परीक्षण करवा के उनके स्टमक के कंटेंट को प्रिजर्व कराया है, उसे हम FSL भेजेंगे ये जाँच करवाने के लिए कि उनके कोई फूड कंटेंट में सच कोई पॉइजनिंग का केस ना हो, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई।